जय श्री कृष्ण गुरु भाइयों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल गुरुजी साधना केंद्र पर हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं फिर एक नई साधना के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो इस साधना का नाम है लील परी की साधना। ये एक परी की साधना है जिसका नाम लील परी है। और इस साधना की जानकारी मेरे गुरुदेव आचार्य श्री महेश शर्मा जी आपको देने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा। कई साधकों ने मुझे लील परी साधना के बारे में कमेंट किए हैं और कई बार पूछा भी है कि गुरु जी लील परी साधना डालिए, लील परी साधना डालिए। तो आज मैं आपको लील परी साधना दे रहा हूँ। और साधकों, इस साधना का मैं पूरा विधान बताऊंगा और बहुत ही सरल साधना है ये। दरअसल जिन परी साधना है उसमें चमेली की फूलों की आवश्यकता पड़ती है और गुलाब के फूलों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इस साधना में चमेली के फूल ना मिलें तो बेला के फूलों की जो है ज़रूरत पूरी हो जाती है। और यह 10-12 दिन की साधना ज़्यादा नहीं है। 10-12 दिन में सभी परियां, एक अनुभवी परी को छोड़ के बाकी सभी परियां लगभग 10-12 दिन में सिद्ध हो जाती हैं। साधकों, यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जितनी भी साधना सिद्धि है साधक के क्षमता के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे साधक की क्षमता होती है उसी तरह ये साधनाएँ सिद्ध हो जाती हैं साधकों। अब साधक बिल्कुल ही क्षमतावान ना हो तो उसका तो फिर भगवान ही मालिक है। और उसमें थोड़ी सी भी साधना करने की क्षमता है साधक में, मन को एकाग्र करने की है, तो वो जो है सिद्ध हो जाती हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा यहाँ साधकों आपसे कि द्वापर त्रेता और सतयुग में लाखों वर्ष उम्र होती थी आदमी की, तो वहाँ हजारों वर्ष साधना तपस्या करते थे जब फल मिलता था। लेकिन कलयुग में थोड़ा सा ही प्रयत्न करने पर साधनाएं सिद्ध हो जाती हैं, ये निश्चित है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि कलयुग में राम नाम का स्मरण करने मात्र से, ईश्वर का स्मरण करने मात्र से, या अंत समय में ईश्वर का नाम, अगर प्रभु का नाम मुंह से निकल जाए तो उसकी मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये आपने देखा है और पढ़ा भी होगा, ये सत्य है। इसी तरह इन साधनाओं का मैटर है। इन साधनाओं को आप अनंत भक्ति के द्वारा करोगे तो आपको सिद्धि मिल जाएगी। श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट कहा है कि अर्जुन, मैंने दान से, न धर्म से, न तप से, न जप से, न पूजा से, न पाठ से, न यज्ञ से, न होम से, किसी के द्वारा प्रत्यक्ष देखने के लिए शक्य नहीं हूँ, लेकिन अनंत भक्ति के द्वारा मैं देखने के लिए शक्य हूँ। यानी मैं अनंत भक्ति के द्वारा मैं साधक को दर्शन दे सकता हूँ। ये 11वें अध्याय में आखिर में उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। जब कृष्ण भगवान अनंत भक्ति के द्वारा हमें देखने यानी प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं, तो इन्हें परी, अप्सरा, यक्षिणी, ये आदि जितनी भी है, ये तो छोटी थोड़ी भी अनंत भक्ति कर ली जाए, इनकी अनंत प्रेम कर लिया जाए, तो इसके द्वारा इनके प्रत्यक्षीकरण हो जाता है और दर्शन हो जाते हैं। अब उल्टा साधक क्या करते हैं, मुझसे कहते हैं, मैं कहता हूँ, मैं लोगों साधक साधना करते हैं कि हम तो गुरुजी बहुत बड़ी अनंत भक्ति कर रहे हैं ना, उन साधना की जब तक उन्हें कोई मतलब है और उसके बाद में ना कोई मतलब है, न भक्ति है, न उनकी प्रति प्रेम है, न भाव है, कुछ नहीं है। और अंत संट बातें करते रहेंगे पूरे दिन, यूट्यूब पर चैनल देखते रहेंगे इधर उधर के बाबाओं की, उसके बारे में सर्च करते रहेंगे उस साधना के बारे में कि किसी ने क्या लिखा है किसी ने, तो ये जो है अनंत भक्ति नहीं होती है, अनंत प्रेम नहीं होता। अनंत प्रेम तो ऐसा होता है चाहे हमारी लोली हो, चाहे लंगड़ी हो, कानी हो, चाहे कुबड़ी हो, चाहे बुरी हो, चाहे भली हो, चाहे सुंदर हो, हम इसी से प्रेम करेंगे, ये है प्रेम। तो इस तरह के अगर आप तुम ये भावना बनाते हो तो सिद्धियाँ साधकों को मिल जाती है। और एक बात और मैं बता दूँ कि प्रेम का मतलब ये, अनंत प्रेम का मतलब ये काम वासना नहीं है। जहाँ प्रेम वाली बात आती है लोग काम वासना की तरफ मुड़ जाते हैं, सोचते हैं काम वासना, अब खुशी अप्सरा परी की हम साधना करते तो हमारे पास सोएगी, वो सब कुछ करेगी, लेकिन तुम अपने मन को संयम रखिए और मन को सुविशिष्ट और स्वच्छ रखिए आप अपने मन को, तो आपको सिद्धियाँ तत्काल प्राप्त हो जाएंगी। नहीं वरना जीवन भर भटकते रहोगे, कभी किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो साधकों, ये भी जो मैं बात बता रहा हूँ, इन बातों को आप ध्यान में रखिए और ध्यान में रखते हुए साधना कीजिए तो आपको साधना सिद्ध हो जाएगी। अब ये साधना आपको कैसे करनी है, शुक्ल पक्ष की जुमेरात आती है, उसकी 10:30 बजे आप एक बाल्टी में
और 10 गुलाब के फूल डाल दें और उससे स्नान करें। अगर सर और चमेली का फूल ले लें, वो चमेली का सेंट ले लें, इत्र ले लें, सेंट ना, देखो दो तरह के आते हैं, एक तो जो केमिकल का आता है उसे ना लें, नेचुरली जो इत्र आता है उसे लें आप। और उस पानी से जो 10 फूल डाले थे उस पानी से आप नहा लीजिए, 11 बजे साधना में बैठिए, और आप जो है हैंड पंप का पानी यूज मत कीजिए क्योंकि उसमें चमड़े का बारसर होता है, अगर अगर उसमें प्लास्टिक का बारसर पड़ा है तो कोई बात नहीं, उसे यूज कर सकते हो आप, ठीक है। 15 मिनट साधना से 15-20 मिनट पहले स्नान कर लीजिए, और खुशबूदार साबुन का प्रयोग करना है इसमें, और 10:30 बजे नहा धो के तैयार हो जाइए। नहाने के बाद जालीदार बनियान पहनें, कोहरा चौखाने का तहमत पहने, सिर पर मुसलमानी टोपी लगाएं, कमरे में रोज़ अच्छे गुलाब की इत्र का छिड़काव करें, और काबा की ओर पश्चिम की ओर मुंह करके बैठें, कान में आप चमेली का सेंट जो आता है उसके कान में चमेली का सेंट लगा लीजिए। आप जिन परी में हिना का सेंट लगता है इसमें चमेली का सेंट लगता है, चमेली का सेंट लगा लीजिए आप, और अपने बदन पर भी चमेली का सेंट लगा लीजिए, और 2 गुलाब की माला आपने सामने आसन पर रख दीजिए, एक पहन लीजिए और एक आसन पर रख दीजिए, जब वो तुम्हारे सामने आएगी जब आप उसे पहना सकते हैं। कमरे का रंग पुताई में हल्का गुलाबी या सफ़ेद होना चाहिए, नीला पीला होगा नहीं चलेगा ये साधु को तो। और एक कवच जो जरूर गले में डाल लीजिए क्योंकि ये परी कुछ खतरनाक टाइप की होती है, इसलिए एक जो बगला मुखी कवच आप गले में अवश्य डाल लें, और अगरबत्ती अच्छी वाली गुलाब की अगरबत्ती हैवी स्टार वाली और लोबान जलाएं, और जो है आप जो है मंत्र का 51 माला बहुत जल्दी हो जाता है, मंत्र करें 51 माला 10 या 12 दिन, ये 10-12 दिन में सिद्ध हो जाएगी। साधकों यमे मंत्र नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि कुछ साधक तो ऐसे हैं कि मुझे पूछ के करेंगे, लेकिन कुछ तो ऐसे ही हैं कि वहीं से बाज़ार से 210 रुपये की माला खरीदी और माला खरीद के बैठ जाएंगे और ये करते रहेंगे। और इसमें साधकों को बता दूं, माला आपको सच्चे मोती की जो माला आती है वो अभिमंत्रित की हुई माला लगती है। या एक बात और मैं आपको बता दूँ साधकों, मुस्लिम बहुत रहस्य बता रहा हूँ, अगर मुस्लिम भाई इस साधना को करते हैं तो उन्हें जो है नमाज की मुद्रा में बैठ के साधना करनी पड़ेगी, और हिंदू करते हैं तो पालती मार के या पद्मासन में कर सकते हैं। मुसलमान जो करेंगे तो 90 दान की माला से करेंगे और माला को उल्टा घुमाएंगे, अगर हिंदू करेंगे तो 108 मुक्ति दान की माला से करेंगे और माला को सीधा घुमाएंगे जैसे ये घूमते हैं। साधु को जिस तरह धर्म हमारा है, हम जिस धर्म में उसी तरह हम जो साधना करेंगे, तो ये साधना बहुत ही सुंदर साधना है साधु को। और आप ये तुम इससे कुछ बोले नहीं, ये तुम्हारे 5-6 दिन में आ जाती है, ये परिचित साधना है साधु को, ये 5-6 दिन में तुम्हारे पास आ जाएगी, लेकिन तुम बोले ना, लेकिन जब ये तुम्हारे गले में बाहें डाल के बात करे और ये तुमसे कहे कि मुझे क्यों बुलाया, तब इससे आप प्रेम का रूप में या पत्नी रूप में या मित्र रूप में वर्णन कर सकते हो आप इसे, और ये तुम्हारे साथ जीवन भर रहेगी। साधु को इतना विशेष ध्यान रखना है, तुम्हें बोलना नहीं है, ये खुद पूछेगी तुमसे कि तुम मुझे क्यों बुला रही हो आप, तो तब आपको बोलना है। और ये उसी दिन ये गले में जब जिस दिन बोल जाए, ये गले में जो माला है इसके में डाल लेनी है गुलाब की, और ये आपकी हो जाएगी। इसमें सावधानी है, ध्यान रखो, ये साधना करते वक्त कोई भी मुस्लिम साधना करते वक्त सुअर शब्द मुँह से ना निकालें, क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें, गाली गलौज ना करें, मुफ्त का कोई धन या पैसा किसी से लेने की जरूरत ना करें, बीड़ी सिगरेट गुटखा पान तम्बाकू आदि नशीली चीज़ों का पदार्थों का प्रयोग ना करें, अंडा शराब मांस आदि का प्रयोग ना करें, किसी भी स्त्री को पूरी नज़र से ना देखें। ये तो साधु को सभी साधनाओं में नियम लागू होते हैं, किसी स्त्री को बुरी नज़र से ना देखें, संसार की सभी स्त्रियों को अपनी माँ और बहन और बेटी के समान समझें, छोटी है तो बेटी, अपने थोड़ी बराबर की है तो बहन समझ ले, और अपने से बड़ी है तो माँ समझ लो, इसमें कोई बुरा नहीं है। तुम यदि गलत भी किसी के बारे में सोचोगे तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, तो क्यों गलत सोचते किसी के बारे में, सीधा सीधा फंडा है भाई। अगर मिल जाए तो तुम सोचो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करो, जब मिलना ही नहीं है तो क्यों सोचो इसके बारे में किसी के बारे में। तो ये चीज़ें
न करें और साधना करते वक्त किसी को न बताएं, अनुभव न बताएं और डरें नहीं और भगवान पर पूरा भरोसा रखें, ज़्यादा बातें ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें यानी ब्रह्मतुल्य कार्य करें, जो ब्रह्म के आचरण है वही कार्य करें, तो ये साधना आपको 8-10 दिन में सिद्ध हो जाएगी। मेरे कई साधकों ने ये मांगी है साधना, तो ये साधना मैंने आपको बता दिया, बहुत सरल सौम्य साधना है ये जिन परिगी तरह। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगे आपको, मेरी जानकारी कैसी लगे मुझे बताना, आगे अगले वीडियो में फिर आपको मिलता हूँ। तो दोस्तों आपको लील परी की साधना कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और मेरे फेसबुक पेज का और इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप दोनों पेजों के लिंक को क्लिक करेंगे तो दोनों पेज वहाँ पर खुल जाएंगे। आप मेरे दोनों पेजों को फॉलो कीजिए, इन दोनों पेजों पर भी सभी समस्याओं से जुड़े समाधान आपको देखने को मिलेंगे, तो इन दोनों पेजों को फॉलो कीजिए। और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में मैं ऐसी कोई भी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, अगली बार मैं फिर जल्दी से एक नई साधना के साथ उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।